लोकसभा चुनावों के 3 चरण तो समाप्त हो चुके हैं। इन 3 चरणों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ती है, जो भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा चुनावों में, चाहे वो 2014 की लोकसभा सीट हो चाहे वो 2019 की लोकसभा सीट हो, इन दोनों लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के तेवर बड़े सख्त रहते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार फ्रंट फुट पर चुनाव होकर लड़ती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जहां कोर वोटर छत्री समाज के वोटर उनसे नाराज दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगह ब्राह्मण बिरादरी भी उनसे नाराज दिखाई देती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में कोविड शील्ड भी का मैटर भी काफी ज्यादा उछाला जाता है। उसके बाद जो विपक्ष है, कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें काफी ज्यादा जनता को बरगलाने में कामयाब हुआ है कि संविधान का हनन होगा और संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। इन सब लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस ने इस बार मोदी को ही फंसाने की पूरी कोशिश कर ली है बनारस की लोकसभा सीट पर। बनारस की लोकसभा सीट पर सूरत और इंदौर जैसा हाल ना हो जाए, इसलिए लगातार बनारस की ही लोकसभा सीट को टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने यहां से अभी तक तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, अजय राय को चुनाव मैदान में उतारा गया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इस समय बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो प्रियंका गांधी जिन्होंने चुनाव मैदान में आने से इनकार कर दिया था, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस इस बार पूरी साख की लड़ाई लड़ना चाहती है। पूरी तरीके से कांग्रेस का जो एक निर्णय है, कांग्रेस ये चाहती है इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो आर पार का चुनाव है, कहीं ना कहीं इसमें हमें अपना 100% देना है। और यही कारण रहा है कि प्रियंका वाड्रा गांधी भी बनारस की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने आ सकती हैं। सूत्रों ने हमें यह बताया है, जहां तक सूत्र हमें यह बताते हैं कि कभी प्रियंका वाड्रा गांधी हैं वो इस समय बनारस की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का पूरी प्लान बना रही हैं। और मैं आपको बताऊं बनारस से इससे पहले किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी साखी चुनाव मैदान में आ चुकी हैं। और मैं आपको बताऊं कि बनारस की लोकसभा सीट से मशहूर कॉमेडियन राजस्थान के हनुमानगढ़ से बिलोंग करने वाले जो हैं वो भी चुनाव मैदान में आ गए हैं, और रंगीला जिसे कहते हैं श्याम रंगीला। तो इन सब के बीच अब प्रियंका वाड्रा गांधी भी चुनाव मैदान में आ रही हैं बनारस की लोकसभा सीट से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि बनारस की लोकसभा सीट इसलिए दिलचस्प हो जाती है क्योंकि यहां से वर्तमान में सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि 2 बार लोकसभा सीट बनारस से जीत चुके हैं और 3री बार भी उनकी दावेदारी प्रबल है। लेकिन मैं आपको लगातार अपने जितने भी वीडियो में, आप मेरे पुराने वीडियो में जा सकते हैं और बकायदा देख सकते हैं, मैंने बस एक ही बात बताई है कि बनारस की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं जो शहर की जनता है वो तो बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत खुश नजर आ रही है, लेकिन जो ग्रामीण जनता है वो कहीं ना कहीं नाराज जरूर है। और लोकसभा के चुनाव जो हैं वो भी मैं आपको बताऊं बहुत दिलचस्प हो चले हैं। 3 चरणों के मतदान पर जो जनता की राय है इस बार लगातार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वादा करते थे कि अब की बार 400 के पार, ये नारा भी काफी हद तक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सूरत लोकसभा सीट और इंदौर की लोकसभा सीट में जो घटना हुई है, खास करके सूरत में ऐसा हुआ कि वहाँ निर्विरोध जीत गई भारतीय जनता पार्टी, और इंदौर में भी ऐसा हुआ। इंदौर में जो वहाँ विजय वर्गीय थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरे खिलाफ कोई खड़ा होने वाला भी नहीं है। और दूसरी बात, ये घटना तब संगीन हो गई जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन पर हाफ मर्डर का केस अटेम्प्ट किया गया था 2 महीने पहले। और 2 महीने पहले हाफ मर्डर का अटेम्प्ट केस किया जाता है, उसके बाद वो कैंडिडेट ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। अब इस बात को आप समझिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर केस हैं, धाराएं हैं और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कानून के विरुद्ध हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के शरण में चला जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें वो बच जाता है। यही कारण रहा है कि प्रियंका वाड्रा गांधी जो है वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको शायद मनाएं और वो चुनाव मैदान में उनको बैठाकर स्वयं बनारस की लोकसभा सीट से आ जाएं। और दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस की जो साख है इस बार वो लगी हुई है यहाँ पर, और कांग्रेस जो है अपने साख को बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस बार पूरी तरीके से शिद्दत से लग गई है। और यही कारण है
कि जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा गांधी इस बार बनारस की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने आ रही हैं। लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विनय वाजिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पल पल की खबर देता रहूँ।